अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि तीनों टूल्स में जो प्रोडक्ट के फाइंडिंग के लिए जो तीन टूल्स बताए इन्होंने, ऑप्शंस बताए, उनमें से वो तीनों को यूज करते हुए हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। जी, हमने तीनों को यूज़ करते हुए एनालाइज करना है कि जो हमारा क्राइटेरिया है हम उस पर स्टिक रह के, ये एक होता है अक्सर वेरिएशंस आ जाती हैं प्रोडक्ट में, तो उसमें हमने उससे दूर रहना है। तो ये जो मैंने आपको तीनों टूल्स बताए हैं और तीनों के सर्च वॉल्यूम बताए हैं, तीनों में कैसे कैसे आपको मैंने बताया है कि सॉर्टेड अनसॉर्टेड। एक और चीज़ सॉरी मैं बताना भूल गया, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ कि आपने गूगल ट्रेंड पे जाके कैसे आपने चेक करना है। ट्रेंड मैंने वैसे आपको दिखाए भी हैं, लेकिन आपको मैं ये आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि गूगल ट्रेंड्स पे आपने जाके कैसे देखना है कि उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ट्रेंड कैसा है। जैसे हमने एक सिलिकॉन ओवन मिट्स कीवर्ड चूज किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। ये हर मार्केट का अपना ट्रेंड होता है। ये मैं यूएसए का फिलहाल आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ। तो हमने ये 5 ईयर ट्रेंड देखना है, हमने ये 12 मंथ्स ट्रेंड नहीं देखना, ये 5 ईयर ट्रेंड देखना है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, आप अगर यूके में जा रहे हैं तो आपने यूनाइटेड किंगडम का देखना है, और जिस जिस में आप जा रहे हैं वैसे आपने उसका ट्रेंड देखना है। ये देखें, इसका ट्रेंड बहुत बुरा जा रहा है, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका ट्रेंड ये है तो उससे आपने दूर रहना है। प्रोडक्ट ट्रेंड कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे जैसे मैं ये एक और कीवर्ड लिखता हूँ, उम्मीद है इसका ट्रेंड कांस्टेंट होगा, इसका भी लोगों की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ट्रेंड चल जाएगा। ये ट्रेंड क्योंकि टच नहीं कर रहा है बिलो, एक दफा कर रहा है, एक आध दफा एक्सेप्शन हर कहीं होती हैं, तो बाकी ये टच नहीं कर रहा है। तो अगर ये 25 जो है इससे ट्रेंड अबव रहा है तो वो परफेक्ट होता है ट्रेंड। ये 25 जहाँ लिखा हुआ है इससे अगर आपका ट्रेंड अबव रहता है तो वो ट्रेंड आपके लिए परफेक्ट होता है। लेकिन ये ट्रेंड भी ठीक है, यूएसए के हिसाब से ये ट्रेंड भी ठीक है। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि 25 से अबव होना चाहिए और इसमें गोल ट्रेंड्स में, लेकिन मैं क्वेश्चन ही कर रहा था कि आपने प्रेजेंटेशन में जो जो क्राइटेरिया बताया है सारा, जी, जो मतलब कि इतना इतना क्राइटेरिया होना चाहिए हर चीज का, जी, तो वो उसको उसको बेसिक को हमने उसी को बेसिक के तौर पे लेके, फंडामेंटल को लेके, और फिर हमने प्रोडक्ट सर्च करनी है। जी जी बिल्कुल, आपने स्टिक रहना है उस क्राइटेरिया पे। जहाँ जहाँ मैंने आपको एक्सेप्शंस बताई हैं वहाँ आपके लिए एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन बाकी क्राइटेरिया पे आपने स्टिक रहना है। और रेवेन्यू पे हमने बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। बाकी पे जहाँ जहाँ पे आप, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, तो वो ठीक है, बाकी पे हमने स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सेप्शन ओके, तो मुझे बताएं कि और जनरल मतलब हमने अमेज़न की साइट पे जाके जनरल जो आपने कुछ जनरल तरीका बताया कि जनरल मतलब कीवर्ड्स टाइप करके तो हम कर सकते हैं, वो बेहतर हम उसे वो बेहतर है या प्रोडक्ट टूल्स में जाके तो वहां पे हम प्रोडक्ट सर्च करें? टूल्स में जाके वो भी बेहतर है, क्योंकि टूल्स में जाके आपको मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स अक्सर जो मैंने अपॉर्चुनिटी फाइंडर बताया या ब्लैक बॉक्स बताया या मैंने उसी तरह से वायरल लॉन्च में एक मैंने आपको बताया डिस्कवरी, तो ये तीनों भी अच्छे हैं, इनसे भी आपको मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी फाइंडर जो है वो सबसे इनमें से बेहतर है, वो कीवर्ड ज़्यादा बता देता है, ब्लैक बॉक्स भी अच्छा है, वायरल लॉन्च से ये दो टूल्स ज़्यादा अच्छे हैं प्रोडक्ट फाइंड करने में इस लिहाज से। और नेगेटिव स्टिंग मैंने आपको बताया है, नेगेटिव स्टिंग भी बहुत अच्छा मेथड है। उसके बाद जेनेरिक, जैसे मैंने आप बता रहे हैं मुझे कि ऐसे कीवर्ड टाइप करके, वो अमेज़न का एल्गोरिदम है, तो अमेज़न का एल्गोरिदम तो कोई टूल मैच नहीं कर सकता उससे। अमेज़न तो सबसे बेस्ट है, वो अपने एल्गोरिदम, जैसे सर्चेज उसकी सबसे ज़्यादा हो रही होती हैं, आप कोई भी कीवर्ड लिखें उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो आगे कीवर्ड उसने दिए हैं, तो वो उसने वही दिए हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, तो हमने उन्हीं पे स्टिक रहना है जो सबसे ज्यादा सर्चेबल कीवर्ड मतलब वो ज्यादा 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 परफेक्शन के करीब है, ज्यादा मतलब कह रहे हैं जी। वो लेकिन वो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स होंगे, मैंने कहा हाई कंपटीशन होगा उन कीवर्ड्स में, तो आपको 3-4 इकट्ठे मतलब वर्ड्स लिखने होंगे, या एक कीवर्ड लिख के उसके बाद एक आध वर्ड लिख, एक वर्ड पूरा लिख के उसके बाद एक और लिखना होगा, तो ये अमेज़न वो अपना एल्गोरिथम इस तरह से चलाता है।
लेकिन वो तो बाबर भाई वो तो मैनुअल तरीका है ना, उसमें तो टाइम भी बहुत लग जाना है, वो तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मतलब, वो तो मतलब टूल्स के थ्रू आप ऑप्शन सेलेक्ट करके तो वो एक वो मतलब मैं थोड़ा बता रहा हूँ ना, थोड़ा जब आप 1 महीना हंट करेंगे ना इस क्राइटेरिया प्रे के टूल्स के थ्रू, या किसी भी जो बाकी क्राइटेरियाज मैंने बताए हैं, आप जंप सेंड पे चले जाएं, आप जी रिबेट की पे चले जाएं, अलीबाबा पे चले जाएं, ईबे ट्रेंडी लिस्ट देखें, तो आपको 1 महीने बाद इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप जाके सिंपली जेनेरिक कोई कीवर्ड लिखेंगे, उसके अगेंस्ट नीचे कीवर्ड होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा आइटम अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा मतलब उसकी कीवर्ड अच्छा है, रिव्यू कौन सा नहीं है। मतलब उसके रिव्यूज रिव्यूज और वो रेटिंग्स देख के समझ आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट हाँ, कैसा वो है। आपको समझ आओ, आपको समझ आ जाए, आपको सिर्फ कीवर्ड देख के समझ आ जाएगी कि इसके रिव्यूज कितने होंगे, इसके नहीं होंगे। अच्छा, जेनेरिक वो क्यों जैसे अमेज़न जैसे, पे रिसर्च करेंगे हम। हाँ, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना, ये 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आप अगर हंट कर रहे हैं प्रॉपर 1 महीने से, तो आप देखेंगे कि 1 महीने बाद आप में कितनी चेंजेस आ जाती हैं, आपको कितना पता चलता है, आपको पता चलने जाएगा यार ये कीवर्ड जो मैंने टाइप किया है इसके अगेंस्ट कितने रिव्यू हो सकते हैं इस मार्केट में ये कितना हो सकता है, वो आपको इजीली पता चल जाएगा। मतलब स्टार्ट हमने टूल्स से लेना है। स्टार टूल्स लेना है, ठीक है, नहीं थैंक तो यू। बिल्कुल फेडअप हो जाएंगे। सही है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट हम अमेज़न पे जो फाइनल प्रोडक्ट करेंगे, फाइनल करेंगे वो जी अलीबाबा से ले सकते हैं। बिल्कुल, आप अलीबाबा से ले सकते हैं, डीएच गेट से ले सकते हैं, मेड इन चाइना से ले सकते हैं, 1688 से ले सकते हैं, पाकिस्तान से अगर वो सोर्स हो सकता है तो पाकिस्तान से ले सकते हैं। अलीबाबा से वो मिल जाता जनरली, मतलब एग्जैक्ट प्रोडक्ट तो वही नहीं अलीबाबा मिलेगा, थोड़ी से हर चेंजिंग चीज होगी मिल जाहिर सी जाती है, बात। अलीबाबा से आप हर चीज आपको मिल जाएगी, जो चीज ये अमेजोन पे 80+ जो है वो प्रोडक्ट जो है अलीबाबा से लेके लोग बेच रहे हैं। 80+ जो प्रोडक्ट्स की मैं नहीं बात कर रहा, जो सेलर्स हैं 80+, ठीक, उनमें हर प्रोडक्ट आ जाता है तकरीबन, तो वो अलीबाबा से लेके बेच रहे हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, आप अलीबाबा पे जाके सिंपली सर्च करें, आपको मिल जाएगा, सेम बस जस्ट जस्ट कीवर्ड टाइप करेंगे तो मिल जाएगा सेम। मिल जाएगा, सेम। कोई कोई प्रोडक्ट हैं जिसमें जो न्यू रिलीजेज हो गई, न्यू प्रोडक्ट अभी मतलब अभी रिलीज हुआ है, 2-4 महीने हुए हैं उसे रिलीज हुए, तो वो ऐसी एक्सेप्शन आ जाती हैं, लेकिन अलीबाबा पे तकरीबन आपको 99.9% चांसेस यही हैं कि आपको हर प्रोडक्ट मिल जाएगी। चलिए ठीक है, सही है। जी।